बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डू द मोलैरिटी न्यूमेरिकल्स विच आर गिवन इन चैप्टर 6 सॉल्यूशंस एंड ऑल दिस न्यूमेरिकल्स आर बिलोंग टू फेडरल बोर्ड क्लास 9 केमिस्ट्री। तो आज हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज करेंगे 6.7 और ये सारी के सारी रिलेटेड है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की। स्टॉक सॉल्यूशन गिवन होगा, उसकी मोलैरिटी गिवन होगी, उससे ही हम न्यू सॉल्यूशन बनाएंगे जो कि न्यू मोलैरिटी का सॉल्यूशन होगा। अब ये आपके पास नजर आ रहा है सेल का सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट जो है वो स्टॉक सॉल्यूशन कह सकते हैं। इसकी जो है वो हमें गिवन होती है मोलैरिटी। अब उसी से हम न्यू उसके उसी से न्यू वॉल्यूम थोड़ा सा लेकर और हम न्यू जो है वो सॉल्यूशन बनाते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 12.1 मोलर। हाउ मैनी सी एम क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन शुड यू यूज टू प्रिपेयर 500 cm³ ऑफ सोलूनियम एंड इट्स मोलैरिटी विल बी 0.1 मोलर HCl। नाउ द स्टॉक सोल्यूशन हैज मोलैरिटी 12.1 m। दिस विल बी m1। कितना उसमें से लेना है स्टॉक सोल्यूशन में से वॉल्यूम वो भी हमें नहीं पता, हम उसको कैलकुलेट करेंगे बाय फॉर्मूला। 500 cm³ इस सॉल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जो कि हमें स्टॉक सॉल्यूशन का नहीं बल्कि ये जो है वो वॉल्यूम है जो हमें न्यू बनाना है। और कितना बनाना है उसकी मोलैरिटी क्या होगी, 0.1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो इसका डाटा बनाने हम जा रहे हैं। और डाटा के लिए जो है वो आपको पता है कि हम जो है वो डाटा के बगैर न्यूमेरिकल जो है वो हम नहीं सॉल्व कर सकते। एग्जैक्ट डाटा बना होगा तो हम सॉल्व करेंगे। नाउ डेटा में हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन HCl का, इसकी मोलैरिटी है 12.1। ठीक है, 12.1 इसकी मोलैरिटी है। और जो है वो हमारे पास जो है वो इसी का 12.1 मोलर का जो सॉल्यूशन है उसी में से हमें थोड़ा सा लेके जो है वो उसका वॉल्यूम लेकर हमें क्या बनाना होगा, न्यू सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी 12.1 हो गई HCl की, उसको हम m1 का नाम देंगे। ठीक है, अब जो है वो इसका कितना वॉल्यूम लेना है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, इस HCl का कितना वॉल्यूम नीडेड होगा डाइल्यूशन के लिए। दूसरी मोलैरिटी जो हमें न्यू बनानी है वो m2 होगी, वो भी HCl की से बनेगी और उसकी 0.1 हमें कहा है कि रिक्वायर्ड है। अब जो है वो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो बॉटल कितनी होनी चाहिए, 500 cm³। फॉर्मूला क्या है इसका डाइल्यूशन का, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अभी आप सबने देखा कि मैंने जब डाटा बनाया था उससे ही पहले मैंने आपको बताया था कि m1 क्या होगा स्टॉक सॉल्यूशन, v1 क्या होगा स्टॉक सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है न्यू सॉल्यूशन बनाने के लिए, m2 क्या होगा न्यू मोलैरिटी जो हमने न्यू सॉल्यूशन बनाना है, v2 क्या होगा जो कि हमें जो है वो न्यू मोलैरिटी का जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो कि हमें बॉटल भी कह सकते हैं उतनी ही होगी। अब v1 हमें रिक्वायर्ड है तो v1 को हम यही रहने देंगे और जो है वो m1 को इसके नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन के जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट जब हम करेंगे तो m2 की जगह 0.1, v2 की जगह 500 और m1 की जगह 12.1 आ जाएगा। अब 0.1 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाएगा और 50 को डिवाइड करेंगे 12.1 से तो हमारे पास आ जाएगा 4.13 cm³। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन व्हिच इज नीडेड टू डाइल्यूट द HCl। और वो कितने में बनेगा, वो हमारे पास बॉटल होगी 500 cm³ की। ठीक है, ये न्यू वॉल्यूम हमारे पास बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 6.7 की। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रेड ऑरेंज कंपाउंड, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ आयरन कॉन्टेंट इन ओर। अ स्टॉक सोल्यूशन इज 2.5 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाउ मेनी सी एम क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन नीडेड टू डायल्यूट टू मेक 50 cm³ ऑफ 0.05 m पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्टॉक सोल्यूशन इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो हाई होगी। ठीक है, और वो कितना होगा आपके पास, वो है हमारे पास जो गिवन है 2.5 मोलर।
अब इसका कितना अमाउंट हमें चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए कि हम न्यू सोल्यूशन बना रहे, वो हमें कैलकुलेट करना है। कितना बनाना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी मोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 0.5 मोलर। ये सारा जो है वो डेटा हो गया। अब हम डेटा बनाते हैं अपना, ठीक है। तो डेटा के लिए जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि M1 क्या है। M1 है पोटेशियम डाइक्रोमेट की वो मोलैरिटी जो कि स्टॉक सॉल्यूशन के 2.5 मोलर। इसका कितना वॉल्यूम होगा वो हमें निकालेंगे, क्योंकि इसका जो है स्टॉक सॉल्यूशन से थोड़ा वॉल्यूम जितना नीडेड है डाइल्यूशन के लिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब जो है वो मोलैरिटी 2 वो है जो कि हमें न्यू सॉल्यूशन बनाना है 0.05, और उसका कितना वॉल्यूम है 50 cm³ की बॉटल होगी हमारे पास। अब फॉर्मूला M1V1 = M2V2, M1V1 यही रह जाएगा और M1 जो है वो इक्वेशन के राइट साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब M2 0.05, V2 50 डिवाइड बाय 2.5, तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। जब हम 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। 1 cm³ इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन टू प्रिपेयर न्यू सोल्यूशन दैट इज 0.05 मोलर इन 50 cm³ ऑफ बॉटल और सोल्यूशन। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बॉटल में हमने प्रिपेयर कर लिया है। ऑरेंज रेड कलर का जो है ये कंपाउंड है, उसको हमने डाइल्यूशन दिखाई। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज। कमर्शियल एसिटिक एसिड इज 17.8 मोलर, हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। कमर्शियल एसिटिक एसिड मींस कि वो जो कमर्शियली यूज होता है, और ये होगा स्टॉक सॉल्यूशन, इसकी कंसेंट्रेशन हाई होगी, ठीक है। अब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे 0.1 मोलर में, और इसका कितना अमाउंट हमें चाहिए वो हमें नहीं पता, ठीक है। और आपने देखा होगा कि V2 है वो भी नहीं है, तो अगर V2 नहीं गिवन होगा तो हम मोलैरिटी हमें पता है कि हम dm³ में ही फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम 1 dm³ ले सकते हैं, या फिर हम उसको 1000 cm³ लेंगे, ठीक है। M1 हो गया 17.8 मोलर, V1 हमें नहीं पता, हम फाइंड आउट करेंगे। M2 कितना है 0.1 मोलर, और V2 हो गया 1000 cm³, या फिर हम कह सकते हैं 1 dm³, ठीक है। ये हमें अगर नहीं गिवन होगा तो हम इसको इतना ही लेंगे। M1 जो है वही जो है वो इक्वेशन के राइट साइड पर डिवाइड जाएगा, V1 इधर ही रह जाएगा। M2 0.1 है, V2 1000 है, और M1 17.8 है। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, और आंसर जो है वो आप इसका जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, और ये है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ